سلام على بيوتيفول كو حاتم سرا ناظرين نتا سو غوري يوم غزيانو ورز دي द पुलिस क्लब के तासुगोरे बिल्कुल द ब्यूटीफुल पहाड़ नंबर है तासुगोरी के कुछ दिन तक मिटा ही दूंगा मैं नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों तक मिटा ही दूंगा मैं नस्ल तेरी। ये उसकी आदत है, डरा रहा है मेरी फितरत, न डरा हूं न अब तक डरूंगा। आज हम सब जिस बात को लेकर आगे चलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के वो जवान बुजुर्ग जो कि गाजी की हैसियत से आज भी हमारे डिपार्टमेंट में हमारे महकमे में शामिल हैं, हमारा फ़ख्र है। आज उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए हमने ये छोटी सी तकरीब मुनक़द की है। मैं तमाम महकमे के गाजी जो इस वक्त मौजूद हैं उनको डिपार्टमेंट के छोटे बड़े अफसर की तरफ से खुश आमदेद कहता हूँ। आप हमारा फख्र हैं। आप में से कई जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी उज्व की, हाथ की, पाँव की या किसी भी जगह की कुर्बानी देकर पता नहीं कितनी जिंदगियां बचाई हैं। तकरीब को आगे जब लेकर चलेंगे तो फर्जन फर्जन इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे जवानों को दावत देंगे कि वहीं अपने कारनामे के बारे में यहाँ पर तफसील से बात करें। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले मैं जनाब डीपीओ साहब कोहाट सुहेल खालिद साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि वो आज की तकरीब के हवाले से अपने ख्याल के साथ हूँ। मैं जनाब सुहेल खालिद साहब, मोहतरम जनाब डीआईजी साहब और कोहाट रीजन से आए हुए तमाम अफसरान, पुलिस एहलकार और गाजियान, मैं आप सबको यहाँ आने पर कुछ आमदेद पेश करता हूँ। और आज का, जैसे कि आपको पता है कि प्रोग्राम जो है वो तमाम हमारे जो गाजियान मौजूद हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कोहाट रीजन के और पूरे पुलिस के, आज का दिन जो है वो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे सूबे में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कोहाट रीजन के भी तमाम आज आप लोग यहाँ पर मदू किया गया है ताकि हम आप लोगों की कुर्बानियों को मुनासिब तौर पर खराज तहसीन पेश कर सकें। और जो आपने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर बहुत सारे लोगों की जान को बचाया है, बहुत सारे लोगों के माल को बचाया है और इस पूरे खत्े को दहशतगर्दी की जंग से बचाया है, हम आपको खराज तहसीन पेश कर सकें। इस सिलसिले में जो है आप जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं इनमें से चंद का मैं थोड़ा बहुत जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे साथ हैं इस वक्त ड्राइवर कांस्टेबल अमानुल्लाह खान, ज़रा आप खड़े हो जाएं, आप किधर हैं ये देख लें। ये ड्राइवर कांस्टेबल अमानुल्लाह साहब हैं और मैं आपको बाकी तमाम के साथ भी खसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो साथ का डी पी ओ दिलावर बंगे साहब के साथ ये जा रहे थे और मतनी में इनके काफ़िले को रोका गया और उस पर अटैक किया गया। इस दौरान इनके जो पांच साथी थे वो शहीद हो गए और ये शरीर ज़ख्मी होने के बावजूद जो है इनका डी पी ओ साहब को वहाँ से निकालने में कामयाब हुए और इस दौरान इनका हाथ नजरिंदा गोरदा बाबा गदईयो उलास पतमाके के उदोशर है अपनी नौकरी के साथ करने पर कर रहे हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अफसर खान एस आई भी आज हमारे साथ हैं, ज़रा आप खड़े हो जाएं। अफसर खान एस आई किधर हैं जी? ये भी हमारे गाजी हैं और ये शकरदरा में एक मफरूर था रिजवान, जब इन्होंने उस पर रेड किया तो उन्होंने आगे से हैंड ग्रेनेड और फायरिंग के ज़रिए इन पर हमला किया। ये शरीर ज़ख्मी होने के बावजूद भी अपने साथियों को बचाया इन्होंने और उसको भी जहन्नुम वासिल किया और खुद भी उसमें ज़ख्मी हुए। तो हम आपको और बाकी तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं कांस्टेबल शाह खान। कांस्टेबल शाह खान ज़रा सामने आ जाए, किधर हैं कांस्टेबल शाह खान? वो नहीं पहुँचे, वो भी हमारे गाजियों में से हैं और वो भी लाची में आर एस मुल्जम के साथ मुकाबले में ज़ख्मी हुए।
इस तरह DSP साहब हैं, उमर हयात साहब, ये भी हमारे गाजी हैं, ये भी थाना MRS में सचिव थे, और जाफर फौजी जो कि एक मफरूर था, जब उन्होंने इस पर अटैक किया तो इन्होंने जब उस पर रेड किया तो इनके साथ के 3 जवान शहीद हुए, मगर ये फिर भी इनकाउंटर किया इन्होंने कामयाब, और उसको भी जानम वासिल किया और बाकी साथियों को बचाकर ये गाजी धमाके से बाल बाल बच गए। तो हम इन सब और आप तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए सब के सब यकीनन इसी तरह की बहादुरियों की दास्तानें रकम कर चुके हैं, जिसने भी अभी तक सूबे में नौकरी की है के पीछे में गुज़श्ता 10 साल में हर एक जवान जो है यकीनन इसी जज्बे के साथ लड़ा है, और हर एक जवान जो है वो गाजी है, क्योंकि कोई भी अभी फील्ड में ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसने किसी न किसी इनकाउंटर में हिस्सा लिया ना हो, किसी न किसी दहशत गर्द के खिलाफ कार्रवाई ना की हो, किसी न किसी दहशत गर्द को पकड़ा ना हो या उस पर फायरिंग ना हुई हो। तो तमाम के पुलिस जो है वो खराज तहसील की मुस्तक है। तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने जवान मर्दी, फर्ज शनासी और सरफरोशी से अमन अमान की बहाली, मुल्क और कौम की इज्जत नामूस और आबरू के लिए अपना सर हथेली पर रख कर जांपेशानी का सबूत दिया है और अवाम के तहफ़ को यकीनी बनाया है, आज सूबे के अवाम जिस पुरमन फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब आप लोगों की भरपूर मेहनत और जदोजहद का साक्षाना है। आप लोग कौमी हीरोज हैं और आप हीरोज़ को गाजियान मिलत राज तहसीम पेश करते हैं। इस तरह शहदा और गाजियान पुलिस ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में अपने जानों की परवाह न करते हुए दुश्मनों और शरपसंदों के अजायम को साथ में मिलाकर इस धरती पर आँच नहीं आने दिया, और इन्हीं शहदा और गाजियान पुलिस के मरहूम ने मिलत ये धरती अमन का गहवारा बनी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और नौजवान की लाजवाल कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों को बैन अलावी तौर पर एक रोल मॉडल के तौर पर तस्लीम किया गया है। गाजी शमा हयात के परवाने हैं जो जुल्म और जबर की आंधियों में रोशनी का मीनार समझे जाते हैं, और इनके मिटाने के लिए हमेशा उनको मिटाने के लिए हमेशा कमर बस्ता रहते हैं और आजमाइश की घड़ी में इस्तकामत और साबित कदमी से नाम रोशन कर रहे हैं। पुलिस गाजियान का इस महकमा पर कर्ज है कि इनकी खिदमात और कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए और इनको खराज तहसीन पेश किया जाए। और आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके हर मुमकिन मसाइल जो भी आप होंगे उनको हल किया जाएगा, और मैं एक बार फिर आप लोगों के आने का बहुत मशहूर हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ।